नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर। सिटी हलचल अब YouTube के साथ साथ Google Play Store पर भी उपलब्ध है। और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में देर रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। साथ ही मुठभेड़ में एक दरोगा और एक कांस्टेबल भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गया। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से दो तमंचे और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। दरअसल पूरी घटना तितावी थाना क्षेत्र के गाँव जसोई रोड की है, जहाँ पर तितावी पुलिस को मुखबिर के द्वारा बाइक पर तीन बदमाशों के आने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर तितावी पुलिस जसोई रोड पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक पर सवार तीन लोगों को रोकने का प्रयास किया, मगर बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। जवाब में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग कर दी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में 25,000 रुपए के दो इनामी बदमाश सोनू सक्का और फिरोज पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं बदमाशों की गोली लगने से एक दरोगा और एक कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल बदमाशों के कब्जे से एक चोरी की बाइक, दो तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार फिरोज पर 5 और सोनू सक्का पर संगीन धाराओं में 28 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पकड़े गए बदमाशों के एक फरार साथी के लिए जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। तितावी में आज शाम को एक तीन क्रिमिनल्स के मूवमेंट के लिए सूचना मिली थी। तीन सस्पेक्ट्स हैं जो एक मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, और सूचना के ऊपर चौकी एरिया पड़ता है जसोई, जिसमें एसओ तितावी और उनकी टीम और कुछ पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे थे। तो चेकिंग के दौरान जब मोटरसाइकिल एक आती दिखाई दी थी, उन्हें रोकने के लिए कोशिश की गई। जो लोग थे, सस्पेक्टेड लोग थे उस मोटरसाइकिल पे, वो रुके नहीं और उन्होंने फायर किया पुलिस के ऊपर। पुलिस के फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल घायल हुए हैं, और पुलिस ने अपने एक्सचेंज ऑफ फायर में दो क्रिमिनल्स को इंजरी हुई है, जिनमें दोनों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्रिमिनल्स को और दो जो पुलिसकर्मी हैं, सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल, इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। और जो पूछताछ पर जो क्रिमिनल्स हैं, पता लगा है, ये एक तो फिरोज़ है जो कि 25,000 का है, एक है सुक्का जो कि 25,000 का इनामी है दोनों ही। और जो सुक्का है, इसके ऊपर तकरीबन 28 क्राइम्स हैं जो कि हत्या, लूट और एक्सटॉर्शन के हैं। साथ ही साथ में जो फिरोज़ है, इसके ऊपर भी 5 क्राइम्स हैं जो कि हत्या, लूट और एक्सटॉर्शन के इनके ऊपर हैं। इनसे एक मोटरसाइकिल और CMP और 315 और 32 बोर के हथियार बरामद हुए हैं, कार्ट्रिजेस मिले हैं। और बाकी की कॉम्बिंग की जा रही है, जिसमें एक जो क्रिमिनल था वो भाग गया था, उसकी भी कॉम्बिंग की जा रही है। किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा NH-58 पर जाम लगाया गया। भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में सैकड़ों किसान भोपा रोड बाईपास पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। भारतीय किसान यूनियन ने चीनी मिलों के बकाया भुगतान, मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण, विभिन्न उद्योगों द्वारा सड़कों पर वाहनों के खड़े रहने से दुर्घटना घटने, बरसाती नालों को उद्योग से निकले कचरे से खत्म करने की साजिश, सड़क किनारे लगे पेड़ों को खत्म करने के प्रयास और फैलते प्रदूषण के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजू अहलावत के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर बाईपास पर भोपा पुल के नजदीक हजारों किसानों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम होने की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई, जिसके बाद लखनऊ से अधिकारियों ने जिला प्रशासन से बात की। इस दौरान मौके पर SP सिटी, ADM फाइनेंस, मोरना शुगर मिल GM, जिला गन्ना अधिकारी, कई थानों के पुलिस, CO आदि पहुंचे, जिन्होंने आश्वासन दिया कि इसी महीने चीनी मिलों से भुगतान कराया जाएगा और मोरना चीनी मिल के विस्तारीकरण का प्रस्ताव चालू पेराई सत्र में ही रखा जाएगा, जिसके बाद किसानों ने राजमार्ग खोला। राजू अहलावत ने बताया कि मोरना शुगर मिल पर 29 तारीख से जारी इन्हीं मुद्दों को लेकर धरना आगे भी यूं ही चलता रहेगा। देखो, ये धरना प्रदर्शन चला हुआ है, ये शुगर फैक्ट्री है मोरना, इसके विस्तारीकरण का सवाल है, गन्ने के भुगतान का सवाल है, 10 साल पुराने जो ट्रैक्टर है उनको बंद करने की जो सरकार की पॉलिसी है उसके खिलाफ है। ये आंदोलन अब शुरू हो गया, ये तो क्रांति दिवस है, तो क्रांति अगस्त में शुरू होगी, तो ये तो अगस्त क्रांति है,
ये नवंबर तक जाएगी, अब रोज होते रहेंगे। प्रशासन को बुलवाया यहाँ पे, वो उसका जवाब देगा कि वे क्या करेंगे क्या नहीं करते, जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। अभी कोई बात नहीं हुई, अभी अधिकारी आए, अब बातचीत करेंगे उनसे बैठ के। भाई धरना तो प्रशासन जब तक कहेगा, जब तक डिमांड नहीं होगी तो धरना ही रहेगा। प्रशासन बतावे यहाँ पे कि हम करवा रहे, पैसा आ गया नहीं आ गया। उन देखो मुख्य मांग ये है कि जो विस्तारीकरण है शुगर फैक्ट्री का, मोरना शुगर फैक्ट्री का, वो हो, किसानों का गन्ने का भुगतान हो, जो किसानों की और समस्याएं हैं उस पर सरकार संज्ञान ले, ये सारी समस्याएं हैं। अजी बहुत बका है तो कहाँ हिसाब किताब दे रहे, तो कई सौ करोड़ रुपया है। दरअसल मामला जनपद शामली के कांदा थाना क्षेत्र के पूर्वी यमुना नहर का है, जहां पर एक 45 वर्षीय महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ। महिला का शव पूर्वी यमुना नहर से बहता हुआ आ रहा था, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को नहर से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शव की घंटों तक पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन महिला के शव की कोई पहचान नहीं हो पाई, जहां से पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की वैधानिक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। 100 नंबर की सूचना अनुसार पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। कांडला नेशनल स्कूल के पास नहर के में बहता हुआ है एक अज्ञात महिला के शव मिला है। इसकी पहचान करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं, कम से कम 3-4 दिन से ज़्यादा पुरानी है, बड़ी देखने में लग रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर लिया गया है। इसकी पहचान है तो सब जगह दिखाया जा रहा है, क्योंकि अज्ञात है, काफ़ी सड़ी गली हालत में है, इसको और रखना संभव होने ना होने की वजह से इसका DNA भी प्रिजर्व किया जा रहा है। बाकी आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर, क्या कोई किसी तरह की आशंका हमारे देखिए, हम अपने जनपद लेवल में जितने भी गुमशुदगी या फिर अपहरण की या फिर संबंध में जो भी मैन मिसिंग ह्यूमन मिसिंग केसेस जितने भी है, वो सबको हम सूचना कर दिए हैं। वादी कंप्लेनेंट को आसपास के जनपदों में पता कर रहे हैं। फिलहाल इस जनपद में तो ऐसे कोई मामला संज्ञान में नहीं आया कि जिससे कोई महिला गायब हो या कोई पहचानने में आया हो, ऐसे कोई बात सामने नहीं। कस्बा मीरापुर में SBI बैंक के पीछे नई बस्ती में आज सुबह 5 बजे सलमुद्दीन पुत्र फारूक का मकान गिर गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिसमें ग्राम प्रधान पति हाजी महबूब आलम ने पीड़ित सलमुद्दीन के घर जाकर हालचाल जाना और घायलों के उपचार के लिए नगद 500 रुपए दिए, शासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस बारे में पीड़ित सलमुद्दीन से बात की गई तो उसने बताया कि उसकी बेटी व उसके बच्चे घर के अंदर सो रहे थे और वह बाल बाल बच गए, जिसमें सलमुद्दीन का बेटा इरशाद घायल हो गया। आपको बता दें, पीड़ित सलमुद्दीन बहुत गरीब है और वह अपने परिवार का पालन पोषण खुद ही करता है। 5 बजे करीबन उसमें मकान गिर गया, रात को हल्की हल्की चोट है, भाग निकले थे। अच्छा। उसमें है जी 4-5 है, आज ही उनमें दो एक का चोट है। नहीं जी, बस आपके आपको प्रधान जी आए थे लेके गए जानकारी, और सुनो जो आपको बुला लेते आए थे जी, वह हमें मदद के लिए 500 रुपये दे गए। 500 रुपये दे गए हम गरीब आदमी है, बहुत हमारी मदद करी जा रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में बड़ी विद्युत दरों के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। शामली जनपद के खेड़ी करमू बिजली घर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रालोद जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज किया। शामली जिले में समस्त 30 बिजली घरों पर रालोद कार्यकर्ताओं ने पोल खोल हल्ला बोल आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। RLT कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज शामली ही नहीं समस्त उत्तर प्रदेश के हजारों बिजली घरों पर भाजपा सरकार के द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दरों के विरोध में पोल खोल हल्ला बोल अभियान के तहत आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन में राज्यपाल को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया। RLD कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज तो केवल एक दिवसीय बिजली घरों पर धरना प्रदर्शन है, अगर उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें कम नहीं की गई तो पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वहीं कैराना के बिजली घर पर कैराना से सांसद तबस्सुम हसन के नेतृत्व में भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश में बढ़ी बिजली की दरों का विरोध जताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बिजली के रेट बढ़ा दिए उसको लेकर पिछली 12 तारीख से हम लोग ने बोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया है, और आज ये ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराना है कि यहाँ का किसान मजदूर इस बड़ी दर पर देने को तैयार नहीं है, तो इसको वापस लिया जाए। ये हमको यहाँ ज्ञापन देना है और यही पूरे महीने हम लोगों ने चलाया। आज पूरे प्रदेश में ये हर जिले के ऊपर, हर बिजली घर के ऊपर,
हमारे जनपद में 30 बिजली घरों के ऊपर आज धरना चल रहा है और माननीय राज्यपाल जी को हम ज्ञापन के माध्यम से ये नोट करेंगे कि वो सरकार को आदेश करें कि पैसे बढ़ी जो कीमत है तुरंत वापस एक दिवस इससे आगे अगर वो वापस नहीं लेंगे तो लड़ाई को हर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे जैसे भी हमारे राष्ट्र नेतृत्व का जैसे भी राष्ट्र नेतृत्व का हमारा आदेश होगा उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। गन्ने का भी यहाँ 4.5 करोड़ रुपया बाकी है, 450 करोड़ रुपया बाकी हमारे जनपद में है जो कि किसी को कोई परवाह नहीं। हमारे शामली में 119 करोड़ रुपया बाकी है, ऐसे पूरे जनपद के तीनों तीनों मिले पे 450 करोड़ रुपया हमारा बकाया है। इस लड़ाई को भी इसके बाद हम लोग लड़ने का काम करेंगे और किसानों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। शहर कोतवाली क्षेत्र के मीनाक्षी चौक स्थित कबाड़ी की दुकानों पर सीओ हरीश भदौरिया के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और शहर कोतवाल अनिल कपरवान ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी अभियान चलाया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मीनाक्षी चौक स्थित कबाड़ी की दुकानों पर सीओ हरीश भदौरिया के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और शहर कोतवाल अनिल कपरवान ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें चोरी के वाहनों की जाँच की। इस दौरान भारी संख्या में दुकानों से चोरी के कटान किए गए 2 पहिया वाहन और कल पुर्जे मिले। वहीं पुलिस ने कई दुकानों पर कार्यवाही करते हुए सील लगा दी। किसानों की विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष अजीत राठी के नेतृत्व में दर्जनों किसान जानसर स्थित विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने बढ़ी विद्युत दरों सहित विद्युत बिलों में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने पानीपत खटीमा मार्ग पर घंटों जाम लगाए रखा। सड़क जाम होने के कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गयी। मामले की सूचना पर अधिशासी अभियंता मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मंगलवार को खतौली स्थित जीटी रोड पर नगर के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें एसडीएम खतौली, अधिशासी अधिकारी खतौली, नगर पालिका परिषद खतौली चेयरमैन पति काजी जमील अहमद सहित सभी सभासदगण मौजूद रहे, जिन्होंने रोड पर बने डिवाइडरों पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान कस्बे वासियों से पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करने की अपील की गयी। कस्बा मीरापुर में डीजीपी ओपी सिंह उत्तर प्रदेश के निर्देश पर हर थाना क्षेत्र में 1000 पौधे लगाए गए। आज मीरापुर नगर पंचायत मीरापुर के वार्ड 12 के सभासद अफजाल कुरेशी ने मीरापुर के कब्रिस्तान में सफाई कर्मचारी बाबू कुमार के साथ 50 पौधे लगाए। वहीं इस बारे में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीजीपी द्वारा चलाई जा रही मुहिम में हर क्षेत्र में 1000 पौधे लगाए जाएंगे, इसीलिए अफजाल कुरेशी ने नगर पंचायत कर्मचारी बाबू कुमार के साथ मिलकर 50 पेड़ कब्रिस्तान में लगाए। सोमवार को नई कुकड़ा ब्लॉक के शिवनगर निवासी सैकड़ों महिलाएं जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर पहुंची, जहां उन्होंने क्षेत्र के राशन डीलर पर सामान न देने और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं उन्होंने ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर को सौंपा, जिसमें उन्होंने राशन डीलर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। सर, हमारे मोहल्ले की और आसपास के जो मोहल्ले आसपास के जो भी मोहल्ले की महिलाएं हैं, उन्हीं को किसी को भी राशन नहीं मिल रहा, जबकि प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो राशन दिया जाता है। हमारे 67 बंदे होने के बाद भी सभी को एक राशन पर 5 किलो ही मिलता है, और जो महिला कुछ कहती है तो उनके राशन लेकर फाड़ दिए जाते हैं और धक्के मुक्के दिए जाते हैं, उनको गाली गलौज तक गंदी भाषा यूज की जाती है। अभी पिछले में तो अक्सर ऐसा भी हुआ कि एक महिला का जब उनको धक्का मुक्की हुई तो उनका हाथ तक टूट गया, बहुत परेशान हुई। सर, 1.5 साल से हमारे मोहल्ले की महिलाओं ने तेल की तो शक्ल ही नहीं देखी कि मिट्टी का तेल कैसा होता है। सचिन राठी बस चौधरी है। सर, एक और समस्या है कि महीने में 11 और 12 तारीख को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक राशन बांटते हैं, क्या इतना एरिया होने के कारण क्या 2 दिन में राशन बढ़ जाता है 3 घंटों के अंदर ही? अब ये कम से कम 300 महिला तो मेरे ही साथ हैं, अभी और बाकी आ जाएंगी। अभी डीएसओ साहब के पास गए थे, वो बात कर रहे हैं हमारे साथ में जो आए हैं, अब जैसा भी होगा डिसीजन लिया जाएगा। सर हम लोग बिल्कुल तैयार होके आए हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहीं बैठेंगे, अपने बच्चों को भी लेके आएंगे और अनशन पे बैठ जाएंगे। ये सदर तहसील में कुकड़ा गांव के जो है कुछ ग्रामीण आए थे हमारे यहाँ, उनके डीलर से संबंधित शिकायत थी कि डीलर उनके साथ बदतमीजी करता है, उनको गाली गलौज करता है और राशन कम देता है, इस टाइप की शिकायत मिली है। इसकी जांच के लिए हमने जो है क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और सप्लाई इंस्पेक्टर सदर दोनों लोगों के जो है ज्वाइंट एक जो है टीम बना के जाँच करने के लिए बोल दिया गया है, और रिपोर्ट जो है 24 घंटे के अंदर दे देंगे, जिससे उसके लिए खिलाफ कार्रवाई की जाए।
जी इसी चीज़ की जांच के लिए जो है दो लोगों की टीम बनाई गई है, दोनों लोग ज्वाइंट रूप से जांच करके उसको रिपोर्ट दे देंगे और जैसा रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ उसे कार्रवाई करेंगे। भोपाल रोड स्थित एसडी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा एक्शन प्लान के तहत सोमवार को महाविद्यालय प्रांगण में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें स्वयं सेवक एवं सेविकाओं ने स्वामी विवेकानंद प्रतिमा पर सफाई की और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर सराहट कर।